गाइस, आप सबको मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आप सब अच्छे ही होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। मेरे बच्चे, मेरे परिवार भी अच्छा है। सो गाइस, मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग्स बना रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा था और मेरे रेहान का थोड़ा तबीयत ख़राब था तो नहीं बना पा रही थी। और फिर से मेरी फैमिली में शादी है, मेरे छोटे देवर का निकाह है तो उस वजह से मेरा थोड़ा भाग दौड़ था, मैं बना नहीं पा रही थी। यहाँ वहाँ जाना था तो मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं फाइनली सोची कि मैं एक ब्लॉग डालती हूँ। हाँ, मैं शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल देती हूँ पर ब्लॉग्स में नहीं बना पाती। तो आज गाइस, आज मैं सुबह सुबह उठी, रेहान का आज स्कूल था तो रेहान को स्कूल के लिए रेडी करके स्कूल भेज कर मैं सोची सुबह सुबह आज काम कर लेती हूँ। तो कपड़ा, कुछ कपड़ा धोने का था तो मैं कपड़ा वगैरह धो ली, धोकर मैं बिस्तर बिस्तर में पैक ली, सब हम लोग नाश्ता पानी कर चुके हैं और मैं चावल चढ़ा दी हूँ। ये देखिए हमारा चावल फूट रहा, और बच्चों का खाना भी मैं चढ़ा दी क्योंकि रेहान को भी, देखिए ये मैं खोल देती हूँ क्योंकि ये देखिए ये खोल देती हूँ क्योंकि रेहान का, फातिमा का लिए खिचड़ी मैं बना रही हूँ और आज हम, मैं गोश्त बनाऊँगी। ये देखिए रेहान के पापा गोश्त लेके आए हैं। ये देखिए, ये देखिए गोश्त बनाऊँगी, गोश्त और कच्चू बनाऊँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने हुए रहिए और फातिमा को देखिए, फातिमा क्या कह रही। फातिमा बहुत रो रही है क्योंकि उसके पापा अभी निकले हैं तो वो रो रही हैं और उसे घर में झाड़ू देना बहुत पसंद है तो डायरेक्ट रूम से निकलती है बाहर वाले रूम में और आकर झाड़ू लेकर घर झाड़ू देती है। ये देखिए घर झाड़ू दे रही है। अगर आप लोग को काम वाली बाई चाहिए तो मेरी बिटिया को लेके जाइए, फातिमा को। ये देखिए झाड़ू मार, ये देखिए, ये देखिए झाड़ू मार, इसे झाड़ू मारना बहुत पसंद है। अभी छोटी है तो बहुत पसंद है, जब बड़ी हो जाएगी और जब मैं बोलूँगी कि बेटा थोड़ा झाड़ू मार दो, मेरे कमर में दर्द है, मैं नहीं सक रही, तब बोलेगी नहीं मम्मी मुझे नहीं करना, झाड़ू नहीं मारना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे खेलना है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए फातों को, ये देखिए फातों को देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए, ये देखिए झाड़ू मार दिए, झाड़ू मार दी मेरी फातिमा, हाय बोल दो हाय। ये देखिए झाड़ू मार रही है, देख रहे हैं आप लोग। सो गाइस, हम, मैं कल मार्केट गई थी रात में, मैं, इसके पापा आए थे 7:30 बजे आए तो हम लोग 7:30 या 8 बजे करीब हम लोग मार्केट निकले और मार्केट गई मैं और बैंगल्स, मेरे जो कपड़े मैं पहनने वाली हूँ वो सब कपड़ों की मैं सेट ली, चूड़ी का सेट ली मैं, वो मैं आप सबको दिखाऊँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग्स में बने हुए रहिए और अब मैं जल्दी 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 मैं खाना बनाऊँगी। सो गाइस देखिए, आज मैं अपने बाल में शैम्पू की, ये देखिए मैं शैम्पू की आज बाल में, ये देखिए आज मैं शैम्पू कर ली, फिर मैं 2 दिन बाद फिर एक बार शैम्पू करूँगी मैं क्योंकि शादी में जाना है। मुझे शादी का बहुत सा दावत मिला है, बहुत जगह दावत मिला है, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनके वहाँ भी दावत है और फिर मेरे जो देवर की निकाह हो रही है उनके साले के भी निकाह है, शादी है तो वहाँ भी दावत है, तो बहुत जगह से दावत मिली है। फ्रेंड गाइस, मुझे बहुत जगह से दावत मिला है तो वो सब जगह जाना है, तो उन सब जो जो मैं कपड़ा पहनने वाली हूँ, जो सूट पहनने वाली हूँ, सब सूट का मैं नया नया लेकर सिलाई करा कर मैं रखी थी और एक मार्केट से भी मैं ली थी तो उसका कोई चीज़ मैं कोई सेट नहीं ख़रीदी थी। तो फिलहाल मैं कल गई मार्केट, गई तो सिर्फ चूड़ी लेके आई, चूड़ी सेट बनवा के चूड़ी लेके आई और एक नागरा लेना था और गले कान का सेट लेना था तो बहुत लेट, काफ़ी लेट हो गया था और बच्चे लोग भी थक गए थे और थोड़ा बाहर में ठंडा था तो इसलिए मैं वो सब नहीं ले पाई। तो आज देखती हूँ, अगर आज वक्त मिलता है, आज इसके पापा को अगर वक्त मिलता है, इसके पापा अगर जल्दी आते हैं तो फिर आज मैं मार्केट जाऊँगी और जाकर मैं वो सारे जो चीज़ जो बाकी है वो सारे सामान को मैं खरीदूँगी। सो गाइस, आप लोग मेरे ब्लॉग्स में बने हुए रहिए और मेरी काम वाली बाई को देखिए, देखिए देखिए मेरी बाई को देखिए, देखिए देखिए कैसे काम कर रही मेरी काम वाली बाई, कितना शार्प काम करती है पता है, कितना साफ काम करिए, देखिए ये देखिए
झाड़ू मारी है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे कितने झाड़ू मारी। देखिए देखिए मेरे सोना को, देखिए झाड़ू मारी मेरा सोना। और अब मैं ये कच्चू जो है, मैं ये कच्चू छील ले रही हूँ। ये देखिए मैं ये कच्चू बनाऊंगी, ये डालकर गोश्त में मैं बनाऊंगी। अब मेरी काम वाली बाई फिर इधर आ रही है, तो जल्दी से मैं कच्चू साफ कर लूँ। ये सारे जो हैं ये सब साफ कर लूँ, मैं अच्छे से छील लूँ। तो गाइस ये देखिए, ये देसी कच्चू है, छोटा छोटा, ये बहुत जल्दी गल जाता है। और इसे तो हम लोग कच्चू कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते, इसे शायद अरबिक भी कहा जाता है। तो मैं आज फिश बनाने वाली थी, लेकिन इसके पापा बोले फिश मत बनाओ, क्योंकि इसके पापा का रात का दावत है, तो वो दावत में चले जाएंगे। हम सब का भी दावत था, फुल फैमिली दावत था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज नहीं जाऊंगी, तो इसलिए मैं एक ही बार सालन बना ले रही हूँ, वो सर कच्चू चावल बना ले रही, क्योंकि रात में फिर मैं नहीं बनाऊंगी। ये देखिए मेरी, देखिए मेरी फातिमा ये मुंह के अंदर ले रही है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये मुंह में ले रही। और अब वो आ गई है, जाइए बेटा वहाँ जाइए, जाइए बाहर वाले रूम में जाके खेलिए, जाइए बाहर रूम में जाइए। तो मैं किचन के अंदर ये सारी चीज़ को लेके चली जाती हूँ, क्योंकि फातिमा मुझे काम करने नहीं देगी, ये छीलने नहीं देगी। और शायद मेरा जो खाना चढ़ा हुआ कुकर में वो हो गया है। ये देखिए अब वो जाएगी, अब वो फिर से झाड़ू लेगी। सो गाइस मैं इसे यहाँ रखती हूँ, मोबाइल को यहाँ ठिकाना लगाती हूँ जगह पे, ये यहाँ रखती हूँ, देती हूँ, गैस ऑफ कर ले हम। इस तरह से तो गाइस मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं दो चार दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड की थी, एक वीडियो में बना के उसे अपलोड की थी, छोड़ी थी। तो एक लेडी थी, वो कहती है उन्हें ऑब्जेक्शन है मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो मुझे कमेंट करती है। क्या नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, तो वो मुझे कमेंट की कि आपको शर्म नहीं आती, आप वीडियो बना रही हैं। आपके वीडियो क्या आपके हस्बैंड नहीं देख रहे हैं? फातिमा वो जो है, फातिमा भी परेशान कर रही है। चॉकलेट में से तो दो ना बाबू को, नहीं निकल रहा। ये देखिए गाइस इसे ये खोलने के लिए बोल रही है, और ये काफी दिन से ये पड़ा हुआ है फ्रिज के अंदर, इसमें कुछ छोटे छोटे से चॉकलेट है, तो वो तो बहुत छोटी है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा ये देने को, लेकिन ये खाने के लिए मांग रही है। अब मैं क्या करूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ खोलने का, लेकिन नहीं खुलेगा। कैडबरी खाओगी? रुको, ये लो चॉकलेट। हाँ
से मैं पार्क में से थोड़ा सा तोड़ के उसे दी, तो वो औरत वो लेडीज कहती हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप वीडियो बना के आपके हस्बैंड का वीडियो नहीं देखते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मैं आप सब गाइस, मैं आप सब से पूछती हूँ, क्या जो वीडियो जो महिलाएं जो लेडीज वीडियो बनाती हैं वो क्या अच्छी है वो बुरी है? तो वो ये भी कहती है कि मैं एक अच्छी औरत हूँ। तो गाइस मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो महिलाएं जो औरतें वीडियो बनाती है वो क्या अच्छी नहीं होती? वो अपना घर परिवार अपना बच्चा नहीं संभालती, अपना फर्ज नहीं निभाती, क्या वो बुरी होती है? उनका कहने का तो यही मतलब था कि वो अच्छी है, हम औरतें जो वीडियो बना रहे हैं तो हम गलत हैं, हम अच्छे नहीं हैं, तो उनका मतलब यही था। तो वो इस तरह से मुझे कमेंट की, तो मैं भी उन्हें मैसेज करके पूछी आप ऐसा क्यों, तो वो मैं मुझे खुद वीडियो में कमेंट करती हैं और करके वो भूल जाती हैं, बोली नहीं कौन सा वीडियो क्या। तो मैं फिर उसके बाद वो मुझे धमकाती भी है, मुझे कहती हैं कि मेरे आईडी में हिम्मत है तो मेरे आईडी में आओ, मैं तुम्हारा गंद मचा दूंगी, मैं गाली गलौज करूंगी, तो आप चार दीजिएगा तो दो मैं भी दूंगी गाली। और सबसे बड़ी बात, आप कहती हैं आप अच्छी औरत है, तो जो अच्छी औरत रहेगी, यही मेरा शायद कहना गलत है कि आप अच्छी है क्या बुरी है क्या, शायद सॉरी मेरा कहना गलत है, आप अच्छी हैं क्या है आप तो यही प्रूफ कर रही हैं, क्योंकि जो अच्छी औरत रहेगी वो किसी के पीछे इस तरह से नहीं पड़ेगी और किसी के पछड़े में अपना टांग नहीं हराएगी, किसी के बीच में अपना टांग वो नहीं हराएगी। आप मेरा मतलब का मेरे बीच में आप पड़ रही हैं, मैं आपको जानती नहीं पहचानती नहीं, आप मुझे कमेंट कर रही हो, है ना, आप मुझे कमेंट कर रही हो, तो मेरा जो है वो मैं हिसाब अपना दूंगी, आप अपना देखो ना, आप मुझे क्यों कमेंट कर रही हो, मुझे क्यों आप बोल रही हो, मुझे नसीहत मत दो आप। शायद ये ब्लॉग्स मेरी उन तक पहुंचे तो ये मेरी ब्लॉग्स देखे वो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे मामले में आप टांग मत हराइए, मेरे बीच में मत पड़िए, मैं क्या कर रही हूँ नहीं पर मैं कोई नंगा नाच नहीं रही हूँ, मैं गलत वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो गाइस वो ऐसा ऐसा मुझे कमेंट करती हैं, मुझे बात बोलती हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती, बिल्कुल नहीं पहचानती हूँ। मेरी फातिमा जब पेट में थी तो इससे पहले भी वो एक वीडियो में मेरे एक कमेंट की थी, मुझे बोली थी कि ऐसे हालत में प्रेगनेंसी में वीडियो नहीं बनाया जाता है, बच्चे पे बुरा असर पड़ता। तो देखिए उस वक्त मैं रिएक्ट नहीं की क्योंकि वो ये बात जाहिर सी है, वो ये बात अच्छा ही बोली थी, मेरे बच्चे के भले के लिए बोली थी, तो मैं उस वक्त वीडियो बनाना मैं उनका बात सुनकर उन्हें वीडियो बनाना भी छोड़ दी थी। पर कुछ दिन पहले मैं एक फेसबुक पे एक वीडियो में डाली तो मुझे वो उल्टी सीधी बात बोली, वो कमेंट की मुझे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहती तो मैं उन्हें भी बहुत उल्टे सीधे बात बोलती, वीडियो बना के फेसबुक पे मैं छोड़ती, पर मैं ऐसा नहीं की, क्या जरूरत है। तो मैं ये सब पछड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहती, खास करके मैं सोशल मीडिया पे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं वीडियो बनाती हूँ, शायद कहीं ना कहीं मैं अपने हस्बैंड को इतना सा मैं राज़ी कर ली हूँ, और मेरे हस्बैंड भी ऑब्जेक्शन करते थे, वीडियो बनाने नहीं देते थे, मैं फिर भी बनाती थी। फिर उन्हें कहीं से एक दिन पता चला तो वो मुझे पूछे, तो मैं उन्हें बोली मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी इज्जत खराब नहीं करूँगी, इतना भरोसा आप मुझ पर रखिए, तो मैं बना ली उन्हें। लेकिन इस तरह से अगर इंसान इस तरह से अगर कमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी मर्द कोई भी घर का इंसान पढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिक वो गुस्सा हो जाएगा। और जो इतना सा जो मेरे हस्बैंड राजी हुए हैं देते हैं मुझे अलाउ दिए हैं बनाने का, वो तो मुझे बिल्कुल बंद कर देंगे। और सच बताऊँ मैं मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो मैं इसलिए बनाती हूँ वीडियो। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ तो इसलिए मैं बनाती हूँ। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो होगा,
कुछ ना कुछ मैं करूंगी, आज नहीं तो कल। अचानक से कुछ भी नहीं मिलता है, अचानक से कुछ नहीं मिलता। हम अगर कोशिश करेंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा। कोशिश करूंगी मैं तो ही मुझे कामयाबी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ रहेगा तो ज़रूर होगा, और अगर मेरे नसीब में नहीं लिखा रहेगा तो मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, जितना ब्लॉग बना लूँ, जितना वीडियो बना लूँ, शॉर्ट लॉन्ग जो बना लूँ, नहीं मिलने वाला। तो मैं एक कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे अपनी किस्मत आजमाने के लिए। अगर होते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं अपना नसीब अपने बच्चों का नसीब समझकर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी। और जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है उस तरह से चलेगी। सो गाइस, मैं कुछ दिन से इसलिए मैं बहुत परेशान थी उस लेडीज़ की, उस औरत की बात सुन के थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे कुछ बोले, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ तो कोई मुझे क्यों बोलेगा। और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े अलग हालात के हैं, तो मैं बहुत ही मुश्किल से उन्हें मना पाई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी भी मुझे तो मेरे साथी ने बहुत परेशान कर ली है। तो मैं उसे जा रही हूँ थोड़ा खिला दूँ, अगर वो एक घंटा सो जाती है तब मैं, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मेरे बेटे को पढ़ाने उनके सर आ गए हैं, तो पढ़ने टिफिन पढ़ने बैठ गया है। तो गाइस देखिए, ये इतना गोश्त मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, मैं कल पका दूँगी। और अब मैं अदरक लहसुन लूँगी मैं, ये देखिए एक चम्मच, और आधा तो डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन डाली, और फिर मैं एक चम्मच में जीरा पाउडर दूँगी, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर मैं जलाऊंगी, और फिर इसमें मैं नमक दूंगी स्वाद अनुसार, मैं कल मार्केट गई थी, मैं चूड़ी उड़ी खरीद के लाई, तो अभी शाम हो रहे हैं और मेरे सारे घर के काम कंप्लीट हो गए हैं। मैं चाय, शाम का चाय पी ली, मेरे दोनों बच्चे देखिए सो रहे हैं, तो मैं आप सबको ये दिखाती हूँ चूड़ी। तो मेरे घर में थोड़ा ठंड लग रहा है, तो मैं कम्बल ओढ़ के बैठी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं ये लाई हूँ, ये देखिए, ये एक है, ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मैं ये एक, ये मैं 11 तारीख को ड्रेस पहनने वाली हूँ उसके लिए, और एक ये सेट है, ये भी मैं 15 तारीख को हुआ तो पहनूंगी मैं, लेकिन ये मेरा दावत है। ये जो आप सेट देख रहे हैं, ये मैं सरारा पे पहनूंगी, जो मैं सरारा का मैं वीडियो भी बनाई थी उसी सरारा का मैं पहनूंगी। ये देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत चूड़ी है, तो आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए, ये मैं लहंगा पहनूंगी,
उस पे का ये लहंगा का है ये। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए ये सेट आप देखिए, ये मैं लहंगा पहनने वाली हूँ, लहंगा का सेट है। तो मैं आप सबको प्राइस बताती हूँ, और ये मेरा थोड़ा बिखर गया बैंगल्स। सो गाइस, मैं आप सबको इन सब चूड़ियों का मैं प्राइस आपको बताती हूँ। ये जो है, ये मेरे जो लहंगा है, ये लहंगा का चूड़ी है, इसका 600 रुपया लिया है, 600 लिया है। और ये जो मैंने टोटल, ये चार सेट है चूड़ियों का, ये चार सेट है, चार सेट का ये 1950 मांगा, पर हम नहीं दिए 1950, मैं नहीं दी, मैं उसे माइनस करके, मैं उसे कम करा कर, क्या कहते हैं, बर्गनिंग की, मैं उसे कम करके मैं उसे 1500 रुपया दी। ये देखिए, इन सारे ये चार, मैंने चार ड्रेस के चार सेट हैं, चारों सेट का मैं कम पैसा दी, मैं चारों सेट का मैं सिर्फ 1500 रुपया दी, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा मांग रहा था, वो मुझसे मांग रहा था 1950 मांग रहा था टोटल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और गाइस, मैं आज भी हम लोग का दावत है, आज हल्दी है, हल्दी का भी दावत है। इनके पापा हैं, इनके पापा का जो दोस्त है, दोस्त का साला का शादी है, कल शादी है, तो आज हल्दी है, तो आज से हम लोग का दावत है। लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि बाहर में थोड़ा ठंडा है और बच्चों को लेके बाहर निकलना सही नहीं है ठंड में, तो इसलिए मैं आज नहीं गई, और कल भी मैं बारात में नहीं जाऊंगी। मैं एक ही बार वलीमा में दो शादी अटेंड करना है, एक इनके पापा का जो दोस्त का, वो जिनका कल शादी है, उनका 11 तारीख को वलीमा है, और 11 तारीख का मेरे देवर का निकाह है, तो मैं दोनों एक ही दिन अटेंड कर लूँगी, क्योंकि मैं बार बार बाहर बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी, बाहर में ठंडा है और रेहान का भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं आज और कल का दिन जो है दावत स्किप कर दी। और इंशाल्लाह ताला अगर मैं 11 तारीख को गई तो मैं रेडी होंगी, मेकअप करूँगी, मैं आप सबसे शेयर करूँगी, मैं आप सबको दिखाऊँगी गाइस। सो गाइस, आज तो सारा दिन सुबह से लेके शाम हो गई, सारा दिन ख़त्म, और मैं घर का सारा काम काज करके बच्चों को लेके मैं अभी थोड़ा सा लेटी हुई हूँ, टीवी नहीं देख रही, मैं शाम को थोड़ा सीरियल देखती हूँ, लेकिन मैं सीरियल नहीं देख रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं, तो जब बच्चे उठ जाएंगे तब मैं सीरियल देखूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, थोड़ा लेटूँगी। और हाँ गाइस, मैं फिर कभी आपको मेरे दोनों बच्चों का जो बर्थडे में गिफ्ट मिला था वो भी मैं आप सबसे शेयर नहीं करी, मैं आप सबको नहीं दिखा पाई, सो दिल से मैं आप सबको सॉरी कहती हूँ। तो मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगी, आप सबसे शेयर करूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, तो मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। सो गाइस, मैं पार्लर जाऊंगी, आईब्रो बनाने जाऊंगी, और मैं आप सबको बोली थी मेरा दिल है थोड़ा बाल कलर करने का, तो मैं बाल भी थोड़ा देखती हूँ कलर करूँगी, अगर थोड़े कम अगर पैसे लगते हैं तो मैं कर लूँगी, अगर वो ज़्यादा पैसे मांगेंगे, ज़्यादा पैसा हुआ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ कपड़ों का, अभी सिर्फ चूड़ी लिए हैं हम, चूड़ी खरीदाया है, तो अभी गला कान का सेट लूँगी मैं, और एक पर्स लूँगी, और एक मैं नागड़ा लूँगी, तो वो भी अगर मतलब खरीदूँगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप सबको दिखाऊँगी। सो गाइस, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस गरीब भाभी, इस गरीब बहन को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, प्लीज़ गाइस। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ अपने हस्बैंड को थोड़ा हेल्प करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को हेल्प नहीं करना चाहती, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इतना कमा लेते कि इज्जत आबरू से हम सबको
रखते हैं। बस मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं इतनी सारी माँ बहनों को देखती हूँ यूट्यूब से, वो लोग इतना कुछ कर पाए हैं, इतना ऊंचा पहुँच पाए हैं, तो मैं उन सब की तरह मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, बस इतना ही। सो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का दुआ रहा, आप लोग का हाथ मेरे सर पे रहा, तो मैं ज़रूर कुछ कर पाऊँगी। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। सो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ गाइस, आप सब अच्छे से रहिएगा गाइस, अल्लाह आप सब की हिफाजत अता फरमाए, अल्लाह हाफिज़।